हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं। ये आर्टिकल है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित। तो देखेंगे कि आखिर अभी ये आपका बौद्धिक संपदा अधिकार चर्चा में क्यों है और आखिर होता क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसी क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है ये क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार यानी कि कितने तरह के होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, फिर बात करेंगे भारतीय बौद्ध संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियां क्या है, फिर बात करेंगे बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किए गए सरकार के प्रयास, फिर आगे उसके बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अभी समय क्या है उसे भी देख लेंगे, बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत की स्थिति क्या है उसे भी हम लोग जान लेंगे, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार के सभी पक्षों को हम लोग इसी क्लास में जान लेंगे। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है, उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है, लेकिन उसके इस अधिकारों का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन होता है। इसका सीधा सा मतलब आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आपने किसी भी चीज का आविष्कार किया, खोज की, उस पर अब अधिकार आपका है क्योंकि आपने उसकी खोज की है, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब आपकी खोज का कोई दूसरा लाभ उठाने लगता है आपकी बिना अनुमति के। अगर आपसे अनुमति लेकर काम करता है तो अच्छा है क्योंकि आपने उसे अनुमति दी, जब आप अनुमति नहीं देते गैर अनुमति के, वो आपकी जो रचना है या जो आविष्कार है उसका प्रयोग करने लगता है, तब आपके अधिकारों का हनन होने लगता है। जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र की एक अभिकरण वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इस संगठन के प्रयासों से ही बौद्धिक संपदा अधिकार की महत्वपूर्ण प्रमुखता प्राप्त हुई। बात करते हैं कि आखिर ये बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन, जैसे आपका साहित्यिक कृति की रचना या शोध हो गया कोई या फिर आविष्कार हो गया, करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक संपदा से अभिप्राय नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जा सक जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाए। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। इसे आप लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा जीआई टैग दिया जाता है, तो एमपी का एक उदाहरण ले लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले कड़कनाथ मुर्गे को कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग मिला हुआ था। इसका मतलब है कि 10 साल के लिए उस पर किसका अधिकार होगा, मध्य प्रदेश का एमपी का। तो एक निश्चित समय होता है, उतने दिन के लिए एक तरह से अधिकार दे दिया जाता है जो इसकी खोज करता है या जहां ये पाया जाता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता
प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी अभिकरणों में से एक है। इसका गठन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य चाहें तो सदस्य बन सकते हैं, उन पर कोई बाध्यकारी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारतवर्ष 1975 में इस संगठन का सदस्य बना। एक कुछ पॉइंट है इसके बारे में याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार। सबसे पहले है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चिंतांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकार, इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारिपोषित किया जाता है। नैतिक अधिकार, इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। कॉपी लिफ्ट, इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या फिर वितरित करने की अनुमति दी जाती है, तथा इस कार्य के लिए लेखक रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका पेटेंट। जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 वर्षों के लिए होती है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित ना कर रहा हो, तथा वह आविष्कार व्यवहारिक अनुपयोग की योग होना चाहिए। ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक है। ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक या फिर असामाजिक छवि को उकसाते हों, या फिर ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या फिर शब्दों के समूह, अक्षरों, संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है, या चित्र चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या फिर विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। फिर आपका औद्योगिक डिजाइन। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या फिर अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या फिर त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो। फिर आपका भौगोलिक संकेतक, GI टैग। भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से सम्मत होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पे, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीर के केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ आपके उदाहरण हैं। भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 बनाया गया।
यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उत्पाद योजना के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है, अतः उत्पाद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों को कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती है। तो ये थे आपके भौगोलिक यानी कि बौद्धिक संपदा के प्रकार। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियां क्या क्या है। सामान्यतः बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार में अपेक्षित प्रगति ना हो पाने का जिम्मेदार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में व्याप्त कमियां हैं। हालांकि इस बात में पर्याप्त सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने हमारे पास भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को देखने का उपयुक्त मौका है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा किस्म पेटेंट के तहत आता है और कौन सा नहीं। ऐसे में अक्सर किसानों और कॉरपोरेट्स के बीच टकराव देखने को मिलता है। भारत में पेटेंट करवाना जटिल कार्य है। हमारे पेटेंट कार्यालय के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती है। किसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं। इस लिहाज से निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मौजूदा वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, अब मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगी। ऐसे में अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने का आधार कला या फिर तकनीकी कौशल को बनाते हैं तो आने वाले वक्त में ये मशीनें ही अपने नाम पर पेटेंट करवाएंगी। शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित ना कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है। बात करते हैं बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किए गए सरकार के प्रयास। पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना। इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किए गए। इन संशोधनों के अनुसार प्रोडक्ट पेटेंट का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया है। उदाहरण स्वरूप खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत किया गया। आपका ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शामिल किया जाता है। पर आपका कॉपीराइट अधिनियम 1957। वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून को देश में लागू किया गया। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस पिछले उत्पाद के नाम का उपयोग ना कर सके। उसके बाद है डिजाइन अधिनियम 2000। सभी प्रकार की औद्योगिक डिजाइन को संरक्षण प्रदान करता है। फिर आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी थी। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए।
ये लक्ष्य आपके समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि बौद्धिक संपदा के हकदार लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाता है, व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल निर्धारण, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए विवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, मानव संसाधनों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। उसके बाद है आपका बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय अभिसमय। औद्योगिक संपदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस कन्वेंशन, इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल हैं। साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए वर्न कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन 1886, इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल हैं। फिर आपका मराकेश संधि 2013, इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। बात करते हैं बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत की स्थिति कैसी है। बौद्धिक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा है, जबकि 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। सूचकांक में शामिल दो नए देशों ग्रीस, डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपींस और यूक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं। हालांकि धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की भी जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित, वहां आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। अतः यहां सुधार की नितांत ही आवश्यकता है। भारत को पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है। तो आशा है कि आपको बौद्धिक संपदा से संबंधित सभी पक्षों को देख लिया आपने और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। ठीक है।